अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की, जिन्हें परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम विष्णु भौमिक है, जिसे पुलिस मानसिक रूप से रोगी बता रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि 57 वर्षीय विष्णु भौमिक के खिलाफ बोरीवली पश्चिम स्थित MHB पुलिस स्टेशन में कई मामले पहले से दर्ज हैं। इसी बीच अंबानी के एंटेलिया निवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अंबानी परिवार और उनके एंटेलिया निवास की सुरक्षा पहले से भी बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। भारत के मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटेलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद सुरक्षा तब से लेकर आज तक चाक चौबंद है। लेकिन एक बार फिर अंबानी परिवार को धमकी मिलने की शिकायत के बाद यहां की सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई है। पुलिस महकमे से जो जानकारी इन24 न्यूज के पास आई है, उसके मुताबिक 15 अगस्त की सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास दक्षिण मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के सार्वजनिक लैंडलाइन नंबर पर किसी व्यक्ति ने 9 बार कॉल किए और 9 के 9 बार उसने मुकेश अंबानी का नाम लेकर न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि अंबानी परिवार को 3 घंटे के भीतर खत्म करने की धमकी दे डाली। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से इस मामले में दक्षिण मुंबई के DB मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता दिखाई और उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली पश्चिम इलाके से कथित आरोपी विष्णु भौमिक को धर दबोचा। इसी बीच मुंबई पुलिस की एक टीम रिलायंस अस्पताल में डेरा जमाए हुए है। वहीं अस्पताल कर्मचारियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने इस धमकी भरे कॉल्स को गंभीरता से लेकर पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध को पकड़ने में कुछ ही घंटे में कामयाबी हासिल कर ली। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। सुबह 10:39 से लेकर 11:12:04 के दरमियान सर एक्चुअल रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल जो DB मार्ग पुलिस स्टेशन के एरिया में है, वहाँ किसी अज्ञात बदल ने 9 बार फोन करके अलग अलग टाइम पर श्री मुकेश अंबानी के नाम पर गालियाँ दी और उनको जान के बारे में धमकी दी। इसकी सीरियसनेस को देखते हुए मुझे तत्काल टीम गठन करके जो सस्पेक्ट था उसको बोरीवली पश्चिम इस एरिया से काबे में लिया और काबे में लेकर के DB मार्ग पुलिस को लेकर के आए और इस प्रकरण में दक्षिण रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के उनके सिक्योरिटी के ऑफिसर के बयान के ऊपर से गुनाह दाखिल किया है 506(2) कलम के अंतर्गत और इसकी आगे की तपास मुंबई पुलिस कर रही है, जिसको अभी सस्पेक्ट को जिसको हमने तांत्रिक तपासी में अरेस्ट दावे में लिया है उसका नाम विष्णु विधु भौमिक है, जो 56 साल का है और बोरीवली पश्चिम एरिया में वो रहता है।